Hello students, today we'll take up exercise 1.3, chapter 1 of class 6, knowing our numbers, question number 2. In this question, there are two questions in all. First, we'll read the question and understand. Chaliye hum shuru karte hain. It says, give a rough estimate by rounding off to nearest hundreds and also a closer estimate by rounding off to nearest tens. So basically, इसके अंदर वो क्या कह रहा है? ये question वो दो तरीके से कह रहा है कि आप rough estimate निकालें, पहले ये चारों parts को आप nearest 100 के हिसाब से round off करें, फिर से इन चारों part को nearest 10 से round off करें. तो इस video में मैं आपको पहले ये चारों parts, आप ये वाला A part, B part, C part और D part nearest 100 से round off करके दिखाऊंगी, और मेरे next video में ये same question हम nearest 10 से round off करेंगे. Okay, clear है? So we start with the questions. First question, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 439 plus 334 plus 4317 को मुझे round off करना है to nearest hundreds. तो हमने यहाँ पे nearest hundreds लिख लिया. Nearest hundreds के अंदर हम इसको round off करेंगे. Estimation का एक rule है जो आपको बेटा ध्यान रखना है. Estimation का rule ये कहता है कि पहले आप estimate करो, first estimate and then add. First estimate and then add. Please do not do the other way round, otherwise your teacher will strike off your question. That you first add and then you round off. उस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है. कभी-कभी होता है, by chance question ठीक आ जाते हैं, but mainly answers इसके गलत आते हैं. तो हम ये question start करते हैं. 439 को हमें round off करना है. ऐसे लिख लीजिए या word लिख लीजिए round off. 439 को round off करना है nearest 100 पे. तो 439 है, यहाँ पे हम अपना rough work column बनाते हैं. या तो ये 400 पे राउंड ऑफ होगा, ये 500 पे राउंड ऑफ होगा, लेकिन मुझे तो बीच के नंबर से डिसाइड करना है. तो इसका बीच का नंबर है 450. तो 439 ऑब्वियस है कि 450 से छोटा नंबर है, तो ये राउंड ऑफ होगा 400 पे. अब आता है हमारी बारी 334 की. 334 पहला डिजिट तो या तो ये 300 पे होगा या ये 400 पे होगा. अब 334 इसके बीच के नंबर से 350 से कम है, कम है तो ये हमारा ऊपर वाला नंबर आ जाएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट 4317. अब क्योंकि मुझे इसको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है, तो मैं बस मेरी नज़र 317 पे होगी. तो ये किसी पे भी राउंड ऑफ हो, इसका थाउजेंड्स प्लेस तो 4 ही रहेगा. अब 317 या तो 300 पे राउंड ऑफ होगा या 400 पे, बट इसका बीच के नंबर से डिसाइड होगा. 350 से डिसाइड करूंगी, बट 317 तो 350 से छोटा है, सो इट हैज टू बी राउंडेड ऑफ टू 4300. तो 317 आपका 300 बन गया. नाउ यू हैव टू परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन, व्हिच इज वेरी वेरी इजी. 400 प्लस 300 plus 4300, so it is 0 0. You add up the hundreds places, it becomes 7 7 plus 3 10, so the answer is 5000. ye hamara answer aa gaya nearest 100 pe round off karke. I suppose it is clear. Now we move to the next question, which is your B part of the question. So we can see here 1,08,734, 1,800,734 and 47,599. So right now we are making a rough estimate, and which is rounding off to nearest hundreds. So 1,08,734 को हमें round off करना है. अब लेकिन नियरेस्ट 100 पे करना है, तो आगे का नंबर जो भी होता रहे, मुझे तो लास्ट के तीन डिजिट ही देखने हैं. तो ये राउंड ऑफ होने में 108 तो एज इट इज आएगा, बट 734 या तो 700 पे जाएगा या 800 पे जाएगा. अब 734
कौन से नंबर के नियरेस्ट है? ऑब्वियस है 700 के, क्योंकि इसके ब्रेक पॉइंट देखना है, ब्रेक पॉइंट कौन सा होता है 750। ये आप माइंड में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें लिख के दिखानी है। आप ये मन में भी सोच सकते हैं कि 700 और 800 के बीच का नंबर 750 है और 734 750 से कम है तो 700 होगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ओरली भी एस्टिमेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। एंड द सेकेंड नंबर इज 47,599। अगेन 599 इज बिगर दैन द सेंटर नंबर विच इज 500 एंड 600, एंड द सेंटर नंबर इज 550। तो 550 से बड़ा है 599, तो इट हैज़ टू पुश टू द नेक्स्ट हायर नंबर। सो 47,600 हो गया। नाउ आई हैव टू परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन दैट कैन बी डन ईजिली। सो 1,08,700 आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 47,600 फ्रॉम इट। So this is 0, 0, 7 minus 6, 1, 8 minus 7, 1. I need to take a borrowing. So it becomes 10 minus 4, 6. So your answer is 61,100. Okay, now we move to the next question, which is the C part of your book. We can just check that out. 8,325 minus 491. So 8,325 minus 491. Again, I'm reminding you, we are making a rough estimate by rounding off to nearest hundreds. ये सारे question हम tens से भी repeat करेंगे क्योंकि question में उसने कहा है। अब बताएं किसको राउंड ऑफ होगा? आप एरो भी लगा सकते हैं। 8,325, बट मुझे अपनी नज़र किस पे रखनी है? 325। तो या तो ये होगा 300 में या ये होगा 400 में। अब 325 इसके बीच का नंबर कौन सा आएगा? 350 से ज़्यादा है कि कम है? कम है, तो ये नंबर छोटे वाले को राउंड ऑफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर है 491। ये तो अपने आप में ही थ्री डिजिट नंबर है, तो इसको तो हम बहुत आराम से देख सकते हैं। 491 500 से बीच का नंबर है ना, उससे कम है कि ज़्यादा है? कम है, तो ये हमारा कहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा? ज़ीरो पे। इट हैज़ टू बी राउंडेड ऑफ टू ज़ीरो। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। सो दिस इज 8,300 माइनस ज़ीरो which remains as this, which if you want to do a rough estimate is not a, in this particular question, this kind of estimation is not at all helpful. Now we move to the D part of the question. So let us check from the book first. For 489,348 minus 48,365. So that's the same number written. We have to round off to the nearest hundreds. So 489,348. क्या चीज़ सेम रहेगी? इसको छोड़ के इससे पहले का नंबर बिल्कुल सेम रहेगा। अब 300 और 400 में ही होगा ना, या तो ये 300 हो जाएगा या ये 400 हो जाएगा। तो 348, 300 और 400 का बीच का नंबर कौन सा है? 350। और 348 350 से कम है, तो ये 300 हो जाएगा। और दूसरा नंबर है 48,365। सेम सी सिचुएशन है बिल्कुल, क्योंकि 3 से ही चल रहा है। तो ये लेकिन 365 350 से बड़ा नंबर है, सो इट हैज़ टू बी राउंडेड ऑफ टू 400। ओके, so now we need to do the subtraction operation. Okay, so now we subtract as per the requirement of the question, but taking up these new rounded off numbers. So 489,300 minus 48,400.
जीरो जीरो, आई नीड टू बोरो, तीन में से चार तो जा ही नहीं सकता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो हम भागे भागे जाएंगे आगे वाले नंबर से, उससे बोरो करेंगे तो इस पे 8 रह जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब 13 माइनस 4 करिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9 बचेंगे ना। अब ये तो 8 हो गए, 8 माइनस 8 0 हो गया, 8 माइनस 4 4 हो गया, तो ये 4, तो हमारा आंसर कितना आया, 4,40,900 बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। आई सपोज दिस इज क्लियर टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो। नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चन वेयर आई विल राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test, and concept notes made by the teachers of leading schools in India.